दोस्तों जैन, मैं राहुल वर्धन। आज हम बात करने वाले प्रोबेशन पीरियड क्या होता है और इसमें क्या क्या देखते हैं, क्या प्रोबेशन पीरियड में घर भी जा सकते हैं। तो देखो, प्रोबेशन पीरियड में घर जा भी सकते हैं, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड 2 वर्ष का होता है, जैसे जिस दिन आप ज्वाइन किए उसके बाद से लेके 2 साल, ठीक है। जैसे हमारा प्रोबेशन है वो जो 2023 में अभी 30 जून को ख़त्म हुआ है, ठीक है, पूरे 2 साल बाद। तो आपका भी 2 साल तक चलेगा जब आप ज्वाइन किए हो। मान लो अभी जो ट्रेनिंग करके अपने अपने यूनिट आ गए हैं, या फिर जो अभी ट्रेनिंग गए हैं 15-21 अक्टूबर को, या और भी अलग अलग फोर्सेस में, ठीक है, अलग अलग डेट को। तो इसमें देखते क्या है, तो देखते ये हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके देखेंगे जिस जिस ऑफिस से बन के तैयार हुआ है, ठीक है। फिर आपके जो बिहेवियर है खासकर, ठीक है, बिहेवियर भी देखते हैं ऐसा, मतलब लेकिन ऐसा कोई होता नहीं है, कोई ऑफिसर या कोई ऐसा चाहता नहीं है कि आप घर जाओ, ठीक है, और होता भी नहीं ऐसे। हाँ, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपका जो है वो सही होना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि CISF में सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जो है वो अच्छे से चेक करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। डॉक्यूमेंट्स तो सब में अच्छा ही चाहिए। मान लो जिस ऑफिस से जो जो आप बनवाए हो, या EWS है, डोमिसाइल है, कास्ट है, या कुछ भी है, आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। जैसे हमारे समय में क्या हुआ था, ज्वाइनिंग के समय भी ऐसा हुआ था। ज्वाइनिंग के समय में जैसे हमारे समय में रैली से भी भर्ती हुई थी जम्मू कश्मीर में, तो एक लड़का था वो भर्ती हुआ था वहाँ से, ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ हो गया था हमारे साथ। 1-2 दिन 0 वीक उनका चल रहा था। आपको पता होगा 0 वीक में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है शुरुआत में, पहले मतलब ज्वाइनिंग के समय, उस मतलब वेरिफिकेशन होता है, मतलब मैच करते हैं सिर्फ, ठीक है। तो उसके डॉक्यूमेंट में जो है 10वीं की सर्टिफिकेट में कुछ गड़बड़ था, तो वो फ़ोन किए जम्मू कश्मीर जिस स्कूल में से वो जुड़ा हुआ था, तो उससे स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से वो पता लगाए, तो पता चला कि जो स्कूल है वो वर्तमान में नहीं है, और उसकी जो मतलब एफिलिएशन है वो किसी मतलब जैसे अपने यहाँ होता है, मान लो कोई बोर्ड है स्कूल का उससे वो जुड़ा हुआ नहीं था, ठीक है। तो उसको वापस उसी समय घर भेज दिए। तो ऐसा होता नहीं है जनरली, ठीक है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर दोबारा से 10वीं दे करके भर्ती देख सकते हैं क्या, तो मैं तो इसमें कुछ कहूँगा नहीं, जो आपको अच्छा लगे वो करिए, ठीक है। तो उसमें उससे हालांकि इसमें प्रोबेशन में आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है, वो तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट रहेगा, उससे कोई दिक्कत होगी नहीं आपको वैसे। तो मेरे कहने का मतलब है कि हर एक डॉक्यूमेंट्स को बारीकी से चेक करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आपके बिहेवियर को भी देखते हैं। प्रोबेशन जो है 2 वर्ष का होता है, और ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है, जैसे बाकी स्टेट में भी आप देखे होंगे, ठीक है, मतलब बाकी स्टेट क्या, लगभग सभी स्टेट में भी ऐसा होता है, हर डिपार्टमेंट में भी होता है। जैसे मान लो मिनिस्टर जो रेलवे है उसमें भी 1 वर्ष का होता है, ठीक है। आप मान लो जैसे राजस्थान है या उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर भी होता है, हर जगह हर राज्य में होता है। कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है कि कुछ वर्ष तक आप ऐसे होते हैं कि बिना किसी कारण से, बिना कोई नोटिस के, बिना कोई इंक्वायरी के, आप चाहे मतलब जो ऑफिसर है, जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है, वो आपको घर भी भेज सकता है, बस और कोई बात नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन, ठीक है। आप कभी देखे हो ऐसे घर जाते हुए, ठीक है, बहुत रेयर होता है ऐसा, ऐसा कोई इशू होता नहीं है, ठीक है। बाकी ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर पूछिएगा, जवाब आपको अवश्य मिलेगा पहले ही की तरह, ठीक है। और कुछ पर्सनल हो तो अबाउट सेक्शन में जाके इंस्टाग्राम पे लिख सकते हो। थैंक यू। जय हिंद।